गाइस पता है इससे ज्यादा नंबर आते हैं मेरे हर बार से पूछ रहा तेरे से ज्यादा हमें ना आते हैं हर बार हमें गाइस हां इससे हर बार ज्यादा नंबर आते हैं मेरे तो फाइनली इस बार नाम है इसकी जो ना राइटिंग बहुत अच्छी है राइटिंग भाई राइट हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग गाइज अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गया क्योंकि भाई आज है ना मेरा फाइनल ईयर का सेकंड पेपर है और आप पता है मैं फ्लैपहॉर्न की फ्लैश लाइट जोल के शूट कर रहा हूँ क्योंकि भाई लाइट तो आ रही है लेकिन अंधेरा हो रहा है बाहर तो अभी इतना क्लीन नहीं दिख रहा है तो फाइनली मैं उठ गया हूँ अभी क्योंकि भाई मैं 6 बजे तक पढ़ूंगा तो मुझे 2 घंटा ही पढ़ने के लिए मिल जाएगा तो मैं 4 से 6 बजे तक पढ़ता हूँ फिर मिलते हैं आपसे 6 बजे। हेलो गाइज तो गाइज अभी बच चुके हैं सुबह के 6 तो फ़ोन की फ्लैश लाइट जोड़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि भाई बाहर हो चुका उजाला तो भाई मैंने 1 घंटा फर्स्ट पेपर पढ़ा था और 1 घंटा सेकंड पेपर तो फाइनली मुझे 2 घंटे पढ़ने के लिए मिल गया तो भाई मैं भी जा रहा हूँ घर पे नहा के रेडी होते हैं तो गाइज अभी चलते हैं घर पे मुझे नहाना है घर जाके वैसे मेरा 3 बजे से पेपर है तो तैयार तो वैसे मुझे मॉर्निंग में मैं तो डेली हो जाता हूँ मॉर्निंग में तो 3 बजे पेपर है तो फिर भी कुछ काम है मुझे थोड़ा बहुत वो काम फिनिश करके फिर देखते हैं। गाइस नहा के तो आ चुका हूँ मैं तो अभी खाना खाते हैं। ये रहा अपना खाना कांदू की सब्जी है ना मम्मी कांदू की सब्जी और रोटी अभी खाना खाते हैं। मम्मी परी सब्जी प्याज दे दिया दे यूं काट कर अभी रुक जा थोड़ी देर जल्दी दो। तो गाइस बिना प्याज के ना खाना मस्त नहीं लगता मुझे मतलब अधूरा अधूरा सा रहता है बिना प्याज के तो प्याज थी नहीं अभी काट रही मम्मी प्याज। भाई आ चुकी हमारी प्याज मस्त एकदम प्याज का तो स्वाद ही अलग है बिना प्याज के तो मेरे पे खाया नहीं जाता खाना। तो गाइस मैंने खाना तो खा लिया है अभी मैं जा रहा हूँ खेत पे घूमने के लिए क्योंकि बहुत टाइम है अभी 3 बजे से पेपर है तो अभी तो काफ़ी टाइम है अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है तो फाइनली अभी खेत पे घूमने जा रहा हूँ ऐसे ही। गाइस पता है मैं बिल्कुल अभी अभी खेत पे से आया हूँ भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई ना मतलब पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। देखो गाइस मेरे ना पैर में चोट लग गई देखो भाई खून ना अब भी निकल रहे हैं देखो मतलब हल्का हल्का रेड दिख रहा इतना सारा खून निकला था ना बहुत ज़्यादा मैं जैसे ही बाइक से उतरा था ना तो भाई बाइक का ना स्टैंड घुस गया अंगूठे में तो भाई इतनी ज़्यादा खून निकला था ना बहुत ज़्यादा इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा तो आके मैंने पापा जी से पट्टी कराई थी वो चीज़ तो मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि भाई वीडियो में चोट वोट दिखाते हैं ना तो वीडियो में प्रॉब्लम सी आती है थोड़ी तो मैंने वो दिखाया नहीं शूट ही नहीं करा था मैंने वो तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी दर्द हो रहा है अब मुझे अभी पेपर देने भी जाना टाइम भी हो चुका है ऑलमोस्ट 1:38 हो चुके हैं देखो 2 बजे हमें यहाँ से निकलना है तो निकलेंगे अभी थोड़ी बहुत देर में अभी वैसे पेपर ही पढ़ रहा था मैं तैयारी कर रहा था नॉर्मली पढ़ रहा था बस ऐसे ही तो अभी कुछ ही देर में निकलने वाले हैं पेपर करने के लिए। तो गाइस पूरे 2 बज चुके हैं तो अभी निकलते हैं पेपर करने के लिए तो भाई वसीम आने वाला कुछ ही देर में मेरे साथ जाएगा वसीम। भाई पेन का कैप भी नहीं है यार कोई नहीं ऐसे ले जा रहा हूँ मैं जेब में ही तो रखने बस लिखना ही तो है कैप से क्या होगा। तो फाइनली अभी चलते वसीम आने वाला है अभी कुछ ही देर में फिर निकलते हैं एग्जाम देने के लिए। तो गाइस अभी चलते हैं पेपर देने के लिए इधर वसीम भी आ गए यार मैं वसीम जा रहे हैं पेपर देने के लिए फाइनली चलते हैं अभी आ भाई लौंडे सीधे निकल लें तो बैठा बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं अभी कॉलेज पे भाई कुछ ही देर में हमारा एग्जाम शुरू होने वाला है तो अभी एग्जाम देने जाएंगे क्योंकि अंदर शूट नहीं कर सकते अलाउड नहीं है कैमरा तो अभी मैं रखने जा रहा हूं कैमरा एक फ्रेंड के घर पे मोबाइल और कैमरा रखने जा रहा हूं फिर चलते हैं एग्जाम देने के लिए। तो गाइस आ गया हूं मैं पेपर करके और वसीम भी आ गया फाइनली। गाइस पता है पेपर ज़्यादा बड़ा नहीं था सिर्फ 13 क्वेश्चन खुलते लेकिन इतने ज़्यादा हार्ड थे ना बहुत ज़्यादा हार्ड भी कुछ नहीं था लेकिन लंबे ज़्यादा थे पता है 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे मतलब 1 क्वेश्चन 200 वर्ड में लिखना था भाई हाथ में भी दर्द होने लगा छोटा सा पेपर है देख रहे हो 13 क्वेश्चन खुलते टोटल तो फाइनली 3 घंटे में पूरा पेपर हुआ मतलब उठने ही नहीं दिया था उठने का टाइम ही नहीं मिला फाइनली 3 घंटे हो गए थे पूरे तब जाके पेपर हुआ फिनिश पूरा। गाइस बहुत हार्ड था फाइनली हो गया बट जैसा भी था हो गया अच्छा हुआ था फिर भी लेकिन हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द क्या कह रहा है और हाँ ये देख रहा हूँ बसी में ना आधा घंटा पहले करके आ गया मतलब और दिन मैं इसका वेट करता था लेकिन आज ये मेरा वेट कर रहा था यहाँ पे पहले ही आके ये सारा कुछ सामान ले आके यहीं पे खड़ा हुआ था। फाइनली मैं पूरे 3 घंटे में निकल के आया हूँ अंदर से कॉलेज में से पीछे और भी लोग आ रहे हैं सारे फ्रेंड आ रहे हैं तो फाइनली अभी चलने वाले हम घर से यहाँ पे कुछ ही देर में निकलते हैं घर के लिए। भाई इस वाले हाथ में ना दर्द हो रहा है अभी भी मेरे क्योंकि पूरे 3 घंटे लिखा है मैंने तो काफ़ी टाइम में लिखा था 3 घंटे फाइनली तो इसलिए दर्द हो रहा है। 1 घंटे पेपर करते मैंने 1.5 घंटे में गाइस देखो इसने 1.5 घंटे में पेपर कर दिया इसने ये इंटेलिजेंट बॉय। तो गाइस पता है वसीम ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए इसने 1.5 घंटे में पेपर कर दिया लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है बेटे पूरे 3 घंटे में पेपर करा मैं तो तुझसे ज्यादा नंबर आएंगे चेक कर लिया मार्कशीट में तेरे से ज्यादा नंबर आएंगे मेरे मेरे
आएंगे ना आएंगे बता। गाइस पता है इससे ज्यादा नंबर आते हैं मेरे हर बार से पूछ रहा है। तेरे से ज्यादा आवे ना आते हैं ना हर बार आवे। हां इससे हर बार ज्यादा नंबर आते हैं मेरे तो फाइनली इस बार नाम है इसकी जो ना राइटिंग बहुत अच्छी है। राइटिंग भाई राइटिंग भी अच्छी है लेकिन मेहनत भी है यार ऐसी बात नहीं। पूरा 3 घंटे लिखा था मतलब लिखा नहीं। आज के पेपर मेहनत है। हां हां है मेहनत है बहुत ज्यादा। कितने पढ़ा कितने बार पढ़ा पल पल सुबह 4 बजे उठा था मैं। सुबह 4 बजे से गाइस आपने पीछे ब्लॉग में देखा होगा मैं 4 बजे उठा था। हाँ 4 बजे उठा था मैं भैया। मैंने तो एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा इसने तूने ना पढ़ा वो तेरी गलती है। गाइस आपने पीछे ब्लॉग में देखा मैं सुबह 4 बजे उठा था तभी से तैयारी कर रहा था। फाइनली पेपर हो गया तो अभी चलते हैं घर पे। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है। क्या कह रहा बताइए पिज्जा कर रहा है। हाँ बोलना मैं। हाँ चल बोलना तो बता क्या कह रहा था। तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है। तुम रह सके।